गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट सोर्सेज टू नो अबाउट हिस्ट्री। दे आर रिटेन रिकॉर्ड्स, दे आर अनरिटेन रिकॉर्ड्स, दे आर इंस्क्रिप्शंस, दे आर कॉइन्स, आर्कियोलॉजिकल्स, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वेराइटी ऑफ सोर्सेज आर देयर एंड विद द हेल्प ऑफ दोज सोर्सेज वी कम टू नो अबाउट आवर पास्ट। Basically, history is a written record of the past events in a very chronological order. India had a tradition of this Raj Tarangani mein is baat ko dekha jata hai. Present context mein, aaj hum jis lesson ki charcha karne ja rahe hain, that is wo Delhi Sultanate hai. Aur Delhi Sultanate mein, agar aap dekhen Delhi Sultanate mein jo rulers hain, itne bahut zyada rulers hain. लेकिन उसको मोटा मोटी हम चार पांच भागों में डिवाइड कर लेते हैं। उसको हम आर आर मतलब राजपूत रूलर्स, जो अर्ली जो रूलर्स थे वो राजपूत रूलर्स ही थे। तो आर टी टी फॉर टर्किस, आर टी के के फॉर खलजीज, देन अगेन टी आता है दैट इज़ फॉर तुगलक, एंड आर आर टी के टी एस एस फॉर सैयद एंड एल फॉर लोधी। दो आर राजपूत, राजपूत पहले राजा थे, राजपूतों के अंदर से सबसे पहले तोमर, इसके बाद अनंगपाल, अनंगपाल के बाद चौहान और सबसे अंत में पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत ही प्रतापी राजा हो गए 1175 से 1192 1195 to 1192। बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी से, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था 1192 का, उसमें मोहम्मद गोरी ने इनको मार दिया था और बहुत ही वीरता से लड़े थे। और इसके बाद भारत में जो टर्किस अर्ली टर्किस इनको कहा गया, अर्ली टर्किस रूलर्स का राज्य स्थापित होता है। और उसमें जो राजा हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और ग्यासुद्दीन बलबन, ये राजा हुए। इसमें रजिया जो पहली महिला शासक होने का इनको गौरव प्राप्त होता है। 1236 और 1240 तक इन्होंने शासन किया, क्योंकि तो इल्तुतमिश के सारे पुत्र जो थे अयोग्य थे, किसी काम लायक नहीं थे, शासन करने के योग्य नहीं थे, और तो मजबूरी में इनको रजिया को देना पड़ा और रजिया ने शासन चलाया और बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आता है, जो कि 1290 से 1320 तक शासन किया खिलजी डायनेस्टी ने। और खिलजी डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासन 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो 1296 to 1316। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी में जो राजा थे इसका जो शासन काल था 1320 to 1414। ये बहुत सारे राजा इसमें आए और इसमें डेट्स को याद रखना थोड़ा सा आपके लिए एक डिफ़िकल्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। तो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1320 to 1414। और द रूलर्स अंडर दिस ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 to 1324 तक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनको पागल सुल्तान भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में अपने कैपिटल्स को ट्रांसफ़र किया गया था दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से पुनः दिल्ली, तो इसलिए इनके ऊपर एक लगाया जाता है कि इनके शासन की जो समझ थी थोड़ी कमज़ोर थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, हिज टेन्योर इज 1324 to 1351 एंड देन फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388। सैयद डायनेस्टी आफ्टर दैट 1414 to 1451 एंड खिजर खान, ही रूल्ड फॉर हिज डायनेस्टी कुड नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम एंड 1414 to 1421 एंड आफ्टर दैट लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 एंड बहलोल लोधी वाज़ फाउंडर एंड 1451 to 1489 ये डायनेस्टी चली लोधी डायनेस्टी, और इब्राहिम लोधी इनके अंतिम शासक थे। इसके बाद हमारे यहाँ मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर जिसके फाउंडर थे। तो दैट इज अ सल्तनत पीरियड, एंड सल्तनत पीरियड हैज टेकन इट्स रूट्स फ्रॉम बेसिकली द लिंक वॉज देयर फ्रॉम अब ईरान, अफगानिस्तान, समरकंद, दिस एरियाज दे फाइंड देयर लेगेसी एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे ट्राइड टू इम्पोज ऑन इंडियन सॉइल बाई हुक और बाई क्रूक।
एंड सस्टेन फॉर अ बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल बाबर हैज़ नॉट अप्रोच्ड हियर एंड बैटल ऑफ दिल्ली में जो लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी हल्दी घाटी में, तो बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी हल्दी घाटी में तो महाराणा प्रताप शासन थी, तो बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत में जब इब्राहिम लोदी को हराया था तो मुगल वंश की स्थापना की। आज टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज ऑन दिस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉट एंड अगर किसी को डाउट होगा तो अगेन आई विल मेक ऑन दिस वीडियो ऑन दिस, बट राइट नाउ आई एम वेरी मच बिजी इन 12th क्लास 12th बिकॉज आई हैव थ्री सेक्शंस ऑफ द 12th डी ई एंड एफ, सिंस दिस क्लास वॉज वेरी क्लोज टू मी दे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट दिस चिल्ड्रेन दो आई एम नॉट टीचिंग दिस क्लास बट स्टिल आई ट्राई टू मेक द क्विज फॉर दिस क्लास। सो चिल्ड्रेन यू हैव टू आंसर दिस क्विज एंड आई विल आस्क द क्वेश्चंस एंड यू विल जस्ट सी दैट हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ओके, एंड यू कमेंट, राइट अ कमेंट ऑल्सो इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 11 देन यू आर वेरी गुड, 6 to 11 then good and below 6 that's the average. So this is my criteria and I want to see that Aishwarya, Shruti, Guni, Ishant, Rahul, everybody just try to do that how much score you are doing this. The first question is the first slave king of Delhi Sultanate is option number 1 Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Rajia Sultan, Alauddin Khilji. I'm not giving the answer right now. You have to think and last I will give the answer. You just note down your answer and later on. Second is when did Rajia Sultan sat on the throne? The first 1235 1235, second 1236 1236, third C option 1237 1237 and D 1238 1238. Third question, inscriptions, coins and architecture provide a lot of first money, second costly metals, C option information and D rewards. Fourth question, Minhaj-e-Siraj was a first chronicler, B historian, C Samant and D Sultan. Chronicler, historian, Samant and Sultan. Fifth question, you just write down your answers, okay, at the last after this question 15 questions lots are there and after that I will give the answer. Fifth question, territories under the Khiljis and Tughlaqs were known as first Jagir, B Kingdom, C Ikta, D Mandal. Sixth question, after Tughlaqs the Sayyid and the Lodi dynasties ruled from first Bengal and Jaunpur, B option Gujarat and Rajasthan, C entire south, D Delhi and Agra. Seventh question is which of the following was not the kind of taxes levied during the Delhi Sultanate? First Kharaj, B taxes on cattle, C taxes on houses, D taxes on sales of grains. Eighth question, I hope most of the students you might have given the answers, okay. Eighth question, ritual leader of namaz is A imam, B iktidar, C ulema, D wazir. Ninth question, Rajia Sultan ruled during first option 1206 to 1201 AD, B 1236 to 1240 AD, C 1210 to 1236 AD and D 1266 to 1287 AD. Tenth question, a fortified town is called as first hinterland, B Jagir, C garrison town, D courtroom. 10 questions are over, quick, do fast, I am very close to the finishing line. 11th question, who was Ibn Battuta? First Irani traveler, B African traveler,
सी अफगान ट्रैवलर, डी चाइनीज ट्रैवलर। 12th question, ऑन विच डे खुतबा एज अ सरमन इज हेल्ड ड्यूरिंग मुस्लिम प्रेयर? फर्स्ट संडे, बी मंडे, सी सैटरडे एंड डी फ्राइडे। 13th question, क्वीन रुद्रमा देवी 1262 टू 1289 बिलोंग टू? फर्स्ट लोदी डायनेस्टी, बी स्लेव डायनेस्टी, सी काकतैया डायनेस्टी एंड डी खलजी डायनेस्टी। क्वीन रुद्रमा देवी 1262 टू 1289 बिलोंग टू फर्स्ट लोदी डायनेस्टी, बी स्लेव डायनेस्टी, सी काकतैया डायनेस्टी, डी खलजी डायनेस्टी। 14th question, वेरी क्लोज डियर फ्रेंड, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली? फर्स्ट तोमर राजपूत, बी चौहान्स, सी लोधी एंड डी सैयद। 15th question, फाइनल क्वेश्चन, गेट रेडी, आफ्टर दैट आई विल गिव द आंसर्स। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन फॉर हिज सोल्जर्स, द नेम ऑफ दिस टाउन वॉज? फर्स्ट सीरी, बी दौलताबाद, सी जनापना एंड डी फिरोजाबाद। तो नाउ 15th questions आर ओवर एंड आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू चेक योर आंसर्स। द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इज कुतुबद्दीन ऐबक। कुतुबद्दीन ऐबक, इसको इसकी डेथ जो है घोड़े से गिरने, पोलो खेल रहा था एंड घोड़े से गिरने की वजह से हो गया था। और इस घोड़े के बारे में कहा जाता था इस घोड़ा ने ही इनकी इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि घोड़ा किसी राजपूत राजा का था, इसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था एंड ही वॉज वेरी स्वामी भक्त, ऐसा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड रजिया सुल्तान सैट ऑन द थ्रोन? तो इसका आंसर है 1236, 400 तक उन्होंने शासन किया, 1236 से 1240 तक, 40 तक, 1236 टू 1240। ये सल्तनत काल की पहली महिला थी। वैसे भारत में तो ये कहा जाता है कि अति नारिस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वैदिक पीरियड से ही महिलाएं जो है ज्ञान विज्ञान वेद की जानकार हुआ करती थी। तो मध्यकाल में ये पहली महिला थी जिन्होंने इस सत्ता शासन किया था। थर्ड क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शंस क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर द सोर्स टू नो अबाउट आवर पास्ट। हम किसी देश के क्वाइंस को देखकर उसकी इंस्क्रिप्शन को, जैसे हम अशोका के बारे में, द ग्रेट अशोक, अशोक जो राजा थे, महान अशोक राजा जिन्होंने युद्ध के ऊपर शांति के संदेश को दिया, अहिंसा के संदेश को फैलाया, तो उनके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा ही मिलती है। तो इंस्क्रिप्शंस क्वाइंस के द्वारा हमको उस समय के समाज, उस समय की परिस्थितियों, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन, सेफ्टी सिक्योरिटी, बहुत सारी बातों की जानकारी होती है। आपको याद होगा बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उसकी चर्चा वेन सांग भी करते थे अफगानिस्तान में, बाद में तालिबान आए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर चलिए, चौथा क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज वॉज फर्स्ट क्रॉनिक्लियर थी ये मिनहाज ए सिराज। पांचवा क्वेश्चन है, टेरिटरीज अंडर द खलजी एंड तुगलक्स वर नोन एज इक्ता। टेरिटरीज अंडर द खलजी एंड तुगलक्स वर नोन एज इक्ता। 6th question, आफ्टर तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। तुगलक एंड सैयद, लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। 7th question, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द काइंड ऑफ टैक्सेज लेवी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? तो ये था हमारा टैक्सेज ऑन सेल्स ऑफ ग्रेन्स, टैक्सेज ऑन सेल्स ऑफ ग्रेन्स मतलब अन्न के को बेचने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया था, ये एक अच्छी बात। 8th question, रिचुअल लीडर ऑफ नमाज इज इमाम। ये आप आजकल बहुत सारे इस तरह के हमारे सामान्य आसपास की ज़िंदगी में इमाम, इमाम बुखारी और जामा मस्जिद के इमाम जो हमेशा कुछ ना कुछ फतवा किसी न किसी धार्मिक इशूज़ पर देते हैं लोग, और कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है, खैर वो अलग बातें हैं।
तो रिचुअल्स लीडर्स ऑफ नमाज इज इमाम, तो इमाम इनके जो रिचुअल लीडर होते हैं नमाज के। नाइन्थ क्वेश्चन, रजिया सुल्तान रूल्ड ड्यूरिंग 1236 टू 1240 एडी। टेंथ क्वेश्चन, अ फोर्टिफाइड टाउन इज कॉल्ड एज गैरिसन टाउन, फोर्टिफाइड टाउन इज कॉल्ड एज अ गैरिसन टाउन। और यहाँ पर साजो सामान अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे और से लड़ाई के समय उनका उपयोग किया जाता था। एलेवेंथ क्वेश्चन, हु वॉज इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन थे, तो ये एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे इब्न बतूता, मोरक्को से आए थे ये इब्न बतूता। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ऑन विच डे खुतबा एज अ सरमन इज हेल्ड ड्यूरिंग मुस्लिम प्रेयर, तो ये खुतबा जो है ये फ्राइडे के दिन पढ़ा जाता था। थर्टीन क्वेश्चन, क्विज रुद्रमा देवी 1262 टू 1289 बिलोंग टू ककतैया डायनेस्टी, ये साउथ में थी आंध्र प्रदेश उसके आसपास के एरिया में थी, तो ककतैया डायनेस्टी। विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली, तो ये तोमर राजपूत थे और तोमर राजपूतों ने बहुत सारे, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि तोमर राजपूत कोई भी राजा जो इतने लंबे समय तक शासन किया और उसकी द्वारा बनाए गए मोनूमेंट्स नहीं हैं, तो इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है और इसकी और भविष्य में इस पर बहुत सारे प्रकाश पड़ने वाले हैं। खैर, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली, द तोमर राजपूत। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन फॉर हिज सोल्जर्स, द नेम ऑफ दिस टाउन वॉज सीरी। तो इस प्रकार से हमारा 15 क्वेश्चन का आज क्विज का फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके साथ ही हम अगले लेसन में हम उपस्थित होंगे और तब तक आप इन क्वेश्चंस और इस लेसन की और तैयारी कीजिए और जो डाउट हो वो जरूर बताइए। धन्यवाद।